तो दिस इज अवर लेक्चर 7 ऑफ आरसीसी और डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम दी हुई है आपके पास, रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज, साइज दिया हुआ है इसका। रेक्टेंगुलर बीम का साइज 400 बाय 600 mm। जो आपका बीम का साइज दिया है 400 mm बाय 600 mm, ओवरऑल डेप्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब जो आपका 600 mm है डेप्थ जो दी है ओवरऑल दी है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, व्हाट दिस इज कैपिटल डी, ओवरऑल डेप्थ डी, ठीक है। और लिखा है एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड कितना है आपका, एरिया ऑफ स्टील दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है 4 नंबर बार्स दिए हुए हैं विद 16 mm डायमीटर बार्स, मतलब इसका नंबर क्या, इसका मतलब क्या हुआ, 4 नंबर बार दिए हुए हैं 16 mm डाया बार के, तो एक डाया का बार है उसका डायामीटर कितना है 16 mm। दूसरा नंबर एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है 6 नंबर्स, मतलब 6 नंबर लगे हुए हैं कितने बार्स के, 25 mm डाया बार का, 25 mm डाया बार का 6 नंबर्स लगे हुए हैं, मतलब 6 बार्स हैं आपकी 25 mm डाया की, 4 बार्स हैं 25 16 mm डाया की। तो आपको ए और बी दोनों ही केस में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया, और आपको दिया हुआ है कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। एक और आपका पार्ट बोला है उसने, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए आपको एरिया ऑफ स्टील भी रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है, बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है। और लिखा है इसने यूज M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील का ग्रेड दिया है FE 415 और कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है M25। यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यूज आपको कौन सा करना है, यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आपको सॉल्व करना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है यूज 50 mm कवर, कवर आपको यूज कितना करना है, यूज 50 mm कवर, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, हमने अभी देखा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कॉम्प्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्रेशन साइड से और टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो कॉम्प्रेशन साइड से निकालना है तो कॉम्प्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय हम क्या करते हैं, लीवर आर्म, ये आपका आ जाता है क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली टेंशन साइड से निकालना है तो टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म कर देते हैं, सही बात है। टेंसाइल फोर्स क्या होता था, टी ए इंटू AST, ये तो आपका स्ट्रेस हो गया, ये एरिया हो गया, स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स बन गया, टेंसाइल फोर्स हो गया, इंटू लिवर आर्म कितना होता है, डी माइनस XA/3। तो ये आपका हो गया टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्प्रेशन साइड से निकालना है तो आप क्या करते हो, कॉम्प्रेशन साइड से कॉम्प्रेसिव फोर्सेस कितना होता है, 1/2 डी इंटू XA इंटू CA इंटू लिवर आर्म, ये हो गया डी माइनस XA/3। तो आपको फॉर्मूले पता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना कैसे ये पता है, बीम का साइज दिया हुआ है, बी मतलब विड्थ दी हुई है 400 mm। पहले हम फिगर बना लेते हैं इसका, ठीक है।
आप 400 बाय 600 एमएम का एक क्रॉस सेक्शनल बीम बनाइए, ओवरऑल डेप्थ डी दिया हुआ है, तो कवर माइनस कर देंगे 50 एमएम, तो 600 में से 50 एमएम माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 550 एमएम डेप्थ मिल जाएगी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, अब इसको मैं बीम को बना देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगुलर बीम है। ये आपका विड्थ है 400 एमएम, ओवरऑल डेप्थ है 600 एमएम, यहाँ पे एक दिया हुआ है पहला केस है, फोर नंबर ऑफ बार्स लगे हुए थे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना, यहाँ पे फोर बार्स थे, कितने एमएम डायमीटर के थे, 16 एमएम डायमीटर के थे, तो इसका ये जो मैं इसको नोमेनक्लेचर डाल देता हूँ, फोर बार्स हैं, कितने एमएम के हैं, 16 एमएम के हैं डायमीटर, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह का डायग्राम बन गया, ठीक है, ये आपका 600 एमएम है ओवरऑल डेप्थ, 50 एमएम कवर दिया हुआ है, मतलब रीइंफोर्समेंट के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया है, 50 एमएम, आपका इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा यहाँ से सेंटर तक का, ये हो जाएगा 600 माइनस 50 एमएम, तो ये हो जाएगा 550 एमएम, तो अब आपके पास विड्थ है बी की वैल्यू कितनी है 400 एमएम, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 600 एमएम, इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ जाएगी स्मॉल डी, स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा 600 एमएम माइनस कवर, कवर मतलब क्लियर कवर दिया है, इफेक्टिव कवर दिया है, हेलो सर कवर कौन सा दिया है हमको, क्लियर कवर दिया है या इफेक्टिव कवर दिया है, यहाँ पे हमने ये पूरा इफेक्टिव कवर ही लिया हुआ है तब जाके हमने माइनस सेंटर तक आया है, ठीक है, तभी तो आया ना सेंटर तक ये डिस्टेंस, इफेक्टिव कवर, क्लियर बेटा, ठीक है सर, तो दिस इज 550 एमएम, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पार्ट फिगर क्लियर हो गया सभी को, देन उसके बाद पहला हम पार्ट सॉल्व करते हैं, ये वाला फोर नंबर ऑफ बार्स ऑफ 16 एमएम डायमीटर, ठीक है, तो अगर मैं पहला पार्ट ले लेता हूँ, फोर नंबर बार्स विद 16 एमएम डायमीटर, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालोगे इसका, एक बार का एरिया क्या होगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, तो चार बार का एरिया कितना होगा, फोर इंटू पाई बाय फोर 16 का स्क्वायर, फोर इंटू एक बार का एरिया पाई बाय फोर 16 का स्क्वायर, चार बार से है तो फोर इंटू पाई बाय फोर, क्योंकि आपका जो बार होता है वो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर एरिया, तो एरिया कैसे लेंगे, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, तो इट इज एरिया ऑफ स्टील टोटल कितना हो जाएगा, फोर इंटू पाई बाय फोर 16 स्क्वायर, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास 804.24 एमएम स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्टील मेरा इतना है फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, ठीक है, नाउ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मुझे पता होना पड़ेगा कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी मेरी, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मुझे निकालना पड़ेगा, वो मैं कैसे निकालता हूँ, वो मैं करता हूँ इक्वेटिंग द एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर वाला कॉम्प्रेशन पार्ट का एरिया और नीचे वाले का एरिया न्यूट्रल एक्सिस के बराबर कर देता हूँ, है ना, तो कैसे होता है, ये आपका बी b into x a actual depth of neutral axis मान लो यहाँ पे b into x a by 2 ये equation बन दिया हमारी b into x a ये तो area हो गया into x a by 2 is equal to what यहाँ से मैं equivalent area ले लेता हूँ m into a s t into d minus x a
इज इट करेक्ट और नॉट? बी पता है, एक्स से निकालना है निकल जाएगा, एम मॉड्यूलर रेशियो निकल जाएगा, पता होगा हमारे को कितना होता है, एरिया ऑफ स्टील पता है हमारे को इस केस में 804, डी पता है एक्स से, एक्स से के टर्म में एक इक्वेशन बनेगी, निकल जाएगा एक्स से, बी की वैल्यू कितनी है विड्थ 400 mm, डी इज व्हाट 400 mm इंटू एक्स ए इज एक्स, ये निकालना है एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम, एम वैल्यू कितनी होगी मॉड्यूलर रेशियो, एम आप कैसे निकालोगे, एम की टेबल भी दे रखी है, एम इज इक्वल टू क्या होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी होता है, अब सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आपको आईएस कोड से देखनी पड़ेगी, ठीक है, वरना मैंने टेबल भी बनवाई थी, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आपको कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए सिग्मा सीबीसी का वैल्यू देखोगे, कोड करोगे, एम की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, करेक्ट, और यहाँ से अगर आपको आईएस कोड में आपको नेक्स्ट उसमें दिखा दूंगा कहाँ से वैल्यू दिखते हैं इसको, ठीक है, और अभी M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू जो भी होगी हम इसके बेस पे एम की वैल्यू जो मेरी निकल के आई है वो निकल के आई है 11, ठीक है, तो आप सिग्मा सीबीसी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है, और हमारा जो क्वेश्चन में ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या दिया हुआ था M25, क्लियर, यहाँ से आपने पुट करा 11 इंटू एरिया ऑफ स्टील, ए एस टी इज 804.24 मल्टीप्लाई बाय डी इफेक्टिव डेप्थ है, डी कितना है आपका 550 माइनस एक्स ए, इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है क्या, एक्स ए, एक्स ए कैलकुलेट हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा यहाँ से, यह आया है आपका 135.43, कैलकुलेट करके देख लेना आपने आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्स को कैलकुलेटर से, तो यहाँ से पूरी इक्वेशन में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं पता था, एक्स ए मुझे मिल गया, मॉड्यूलर रेशियो 11 कैसे आया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट 25 पे डिपेंड होता है, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आईएस कोड की जो मैंने टेबल बनवाई थी स्टार्टिंग में सिग्मा सीबीसी की, ठीक है, वहां से आपका वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कितनी होती है वैसे 5, 7, 8.5 होती है शायद, 10, 11.5, 13 ये वैल्यूज थी ना, 15 के लिए थी एम 15 के लिए, ये आपकी एम 20 के लिए, ये एम 25 के लिए, एम 25 के लिए 8.5 लेंगे, 8.5 लगे होंगे, यहाँ से सॉल्व कर लोगे 11 के नजदीक आएगा मॉड्यूलर रेशियो, ये टेबल हम देख लेंगे, क्लियर, एक्स ए क्लियर हो गया सबको, आओ सेकेंड स्टेप आप क्या निकालोगे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे आप, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसको डिनोट किससे करते हैं, किसकी 135.43 सही है, यस सर, स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बातों को, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी, यस सर ओके, और ये सलोमी सागर, सलोमी कुमार आदित्य, यस सर कनेक्ट कर पा रहे हो, यस सर इजी है थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट है ये पूरा, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है पूरा, डिजाइन करना आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करते हैं डिजाइन, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया आपने, देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे एक्ससी, इसका फॉर्मूला हमको देखा ही, हमने देखा ही था एम सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू डी, यही होता है, मतलब के डी से हम डिनोट करते हैं, K होता है हमारा व्हाट दिस MC अपॉन T प्लस MC, M हमारे को पता है कितना है, M कितना है मॉड्यूलर रेशियो 11 आया है हमारा निकल के, इनटू C, C मतलब सिग्मा CBC, सिग्मा CBC है ना, C मतलब सिग्मा CBC, ये मैंने अभी लिखा था यहाँ पे सिग्मा CBC की वैल्यू 5, 7, 8.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करेगी, कितनी होगी सिग्मा CBC मतलब 8.5,
11 इंटू 8.5 M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अपॉन T सिग्मा एसटी की वैल्यू। अब सिग्मा एसटी कौन सा लोगे आप? सिग्मा एसटी आपका मतलब ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है Fe415 के लिए। तो Fe415 के लिए सिग्मा एसटी की वैल्यू IS कोड में दे रखी होती है 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको हम देख लेंगे जब IS कोड को खोलेंगे। Fe415 के लिए सिग्मा एसटी की वैल्यू कितनी है, मतलब T की वैल्यू हम जो डिनोट कर रहे हैं, T की वैल्यू है 230। क्लियर? तो T प्लस MC, T मतलब सिग्मा एसटी पे डिपेंड कर रहा है Fe415 पे, प्लस M इंटू सी, एम इज 11 इंटू सी इज 8.5। को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाय डी इफेक्टिव डेप्थ इज 550। तो यहां से आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। को सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 158.96 mm आ रहा है। ठीक है, अब कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे हम एक्स ए और एक्स सी में, कंपेयर करो एक्स ए एंड एक्स सी में। कंपेयर करो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी आई थी, 135.43। एक्स सी की वैल्यू कितनी आई है, 158.96 mm। कौन सा ज्यादा है, एक्स से क्या है कम है एक्स सी से? एक्स ए इज लेस देन एक्स सी। तो एक्स ए जब एक्स सी से कम होता है तो कौन सा सेक्शन होता है हमारा, व्हेन एक्स ए अंडर रिइंफोर्स्ड, एक्स ए इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज अवर अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है ना, कंपेयर करना पड़ेगा ना हमारे को, एक्चुअल डेप्थ कम है क्रिटिकल डेप्थ से तो अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, सी ए की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल स्ट्रेसेस लेस देन होती है सिग्मा सी बी सी से, और टी ए अपॉन एम क्या होते हैं स्ट्रेसेस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम। याद है ना ये सारा कॉन्सेप्ट? ठीक है, ओके। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है हमारे को, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्प्रेशन साइड से निकालना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कॉम्प्रेशन साइड से निकाल के देखते हैं, फ्रॉम कॉम्प्रेशन साइड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कॉम्प्रेशन साइड क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट, कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू लिवर आर्म, है ना। कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या आएगा आपका, 1/2 बी इनटू एक्स ए इनटू व्हाट सी ए, ये तो हो गया एरिया इनटू स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेस दिस इज एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया इज कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू व्हाट लिवर आर्म। लिवर आर्म कितना होता है, लिवर आर्म होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस, वो होता है आपका डी माइनस एक्स ए बाय थ्री। ठीक है, अब इसमें मुझे बी पता है, विड्थ पता है 400 mm है, एक्स ए निकाल चुका हूँ, सी ए नहीं पता अभी मुझे एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट कितने लेने हैं, डी पता है एक्स ए पता है, पहले सी ए निकालने पड़ेंगे मुझे इसको, सी ए मतलब एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट निकालने पड़ेंगे, यस और नो? यस सर। तो अब एक्चुअल स्ट्रेसेस कैसे निकलेंगे हमारे, पहले हमारे को स्ट्रेस डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे यहां मैं बना रहा था, ये बना रहा था स्ट्रेस डायग्राम। अभी आपका सेक्शन कैसा आया है, ये तो आपका है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम आई है क्रिटिकल से, क्रिटिकल कहाँ पे है, ये आपकी क्रिटिकल थी ज्यादा, एक्चुअल कहाँ पे आई है कम आई है, मान लो यहाँ आई है, ये आपकी एक्चुअल। ठीक है, तो आपका स्ट्रेस डायग्राम बना दो यहाँ से, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है हमारा पता ही है, तो अंडर रिइंफोर्स में एक्स ए की वैल्यू कहाँ पे है, ये होगी एक्स ए की वैल्यू, और ये यहाँ पे सिग्मा एस टी वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या है एक्स ए वाली वैल्यू एक्स ए, ये है एक्स सी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और ये आपके कौन से स्ट्रेसेस हैं यहाँ पे, सी ए है, और क्योंकि सिग्मा सी बी सी ए क्या होंगे कम होंगे, सिग्मा सी बी सी क्या है ज्यादा होंगे इसमें अंडर इन्फो सेक्शन में, सिग्मा सी बी सी से ऐसे बनाना है एक और डायग्राम, तो ऐसे बनेगा ये डायग्राम ऐसे जाएगा। यहाँ पे आपके सिग्मा एस टी अपॉन एम किसके बराबर होंगे, टी ए बाय एम के बराबर होंगे,
स्ट्रेसेस के स्टील तो जो स्टील के स्ट्रेसेस तो मैक्सिमम तक होंगे दोनों एक्चुअल और, बट अंडर रिइंफोर्समेंट में कंक्रीट के स्ट्रेसेस कम होंगे, सी ए इज लेस देन सिग्मा सी बी, तो अंडर रिइंफोर्समेंट ये बन गया आपका, ठीक है। नाउ आपको सी ए निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल निकाल सकते हो, एक ये ट्राइंगल ले लो, एक ये ट्राइंगल ले लो बड़ा वाला, ये वाला सी ए अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू वॉट सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन ये वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी डी माइनस एक्स ए, अरे यहां से लेके यहां तक डी होगा इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, माइनस एक्स ए पता ही है हमारे को, ये वैल्यू आ जाएगी, सी ए की वैल्यू मिल जाएगी ना। कैसे लगाते हैं सिमिलर ट्रायंगल, यहां पे लगा देता हूँ सी ए अपॉन एक्स ए, एक ये वाला ट्रायंगल लिया पहले सी ए, पहले बेस लिया अपॉन ये लिया वर्टिकल, और ये वाला ट्रायंगल लिया, फिर पहले बेस लूंगा सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन ये क्या है डी माइनस एक्स ए, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक क्या था इफेक्टिव डेप्थ डी, और ये वैल्यू है डी है, और ये एक्स से माइनस कर दिया यहां से यहां तक हो जाएगी, तो ये हो जाएगा व्हाट सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्स ए, तो यहां से सी ए निकल जाएंगे ना स्ट्रेसेस, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, क्योंकि एक्स ए पता ही है, सिग्मा एस टी पता ही है 230, मॉड्यूलर रेशियो पता है, टी पता है, एक्स ए पता है, सी ए मिल जाएंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, यस और नो? यस। कैसे निकाला देखो फिर से बता देता हूँ क्लियर। आपने पहले एक्स ए और एक्स सी को कंपेयर करा, ये आपकी विड्थ की भी, आपकी क्रिटिकल डेप्थ आई है ये, एक्चुअल डेप्थ आई है कम, एक्चुअल डेप्थ कम आई है इसका मतलब अंडर इन्फो सेक्शन है, आपने स्ट्रेस डायग्राम बनाया, स्ट्रेस डायग्राम में सी ए होते हैं लेस देन सिग्मा सी बी सी, सी ए ये रहे, एक्चुअल एक्स ए है ये, दिस इज एक्स ए, ये आपका ड्रॉप हुआ यहाँ पे, और यहाँ से लेके ये आपके फाइनल स्ट्रेसेस सिग्मा एस टी अपॉन एम, तो ये एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील के बराबर है, ये तो सही है अंडर इन्फोस में, बट सी ए होते हैं कम सिग्मा सी बी सी से, तो ये आपका ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने सी ए अपॉन एक्स ए, ठीक है सी ए अपॉन वॉट एक्स ए इज इक्वल टू एक ये वाला ट्राइंगल लिया अपॉन ये वाला क्या है बेस क्या है सिग्मा एस टी अपॉन एम, तो सिग्मा एस टी की वैल्यू बताइए अपॉन एम की वैल्यू बताए अपॉन वॉट, ये वाली वैल्यू कितनी होगी निकाल लो, ये स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप डी यहाँ से लेके स्टील के रिइंफोर्समेंट तक, ठीक है और एक्स ए से माइनस कर देंगे, ये था टोटल डी, डी में से एक्स ए हटा दो तो ये बच जाएगा डी माइनस एक्स ए, सिमिलर ट्राइंगल लग गया ना इजी है डी माइनस एक्स ए, तो सी ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो सी ए क्या हो जाएगा सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी होगी 230 अपॉन एम मॉड्यूलर रेशियो 11 निकला है इंटू एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो कितनी आई एक्चुअल डेप्थ 135.43 डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स ए, डी मतलब 550 माइनस एक्स ए इज 135.43 सॉल्व कर लो एक्चुअल स्ट्रेसेस आ जाएंगे 6.83 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, स्ट्रेसेस की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो सी ए आ गए मतलब एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट आ गए, ठीक है एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। अब देखो एक्चुअल स्ट्रेसेस की वैल्यू 6.83 है, ठीक है ना 6.83 ऑब्वियसली सिग्मा सीबीसी से कम ही होनी चाहिए थी वैल्यू, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी है एम 25 के लिए 8.5 कितनी है सी की वैल्यू 8.5 करेक्ट और नॉट 8.5 तो सिग्मा सीबीसी से तो कम ही होंगे ना सी की वैल्यू कम ही है तो 6.83 आया ठीक है ना एक्चुअल स्ट्रेसेस है 6.83 नाउ बस अब क्या वैल्यू मोमेंट और रेजिस्टेंस निकल जाएगा 1/2 बी पता ही है कितनी है 400 mm विड्थ इज 400 mm एक्स ए पता ही है कितना आया था 135.43 इंटू सी ए निकाल लिया 6.83 इंटू डी माइनस एक्स ए बाय 3 कर दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्प्रेशन साइड से आपने निकाल दिया तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्प्रेशन साइड से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू विड्थ इज 400 बी इंटू एक्स ए एक्चुअल डेप्थ इज 135.43 1/2 बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए वैल्यू आई थी आपकी कितने 6.83
इनटू लिवर आर्म इज डी माइनस, डी मतलब 550 माइनस एक्स ए बाई थ्री इज 135.43/3। ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लो, न्यूटन एमएम में आएगी, 10^2 और 6 से डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को, क्या कर देना आप, या तो 10^2 और -6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, पूरी इक्वेशन को -6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको किलो न्यूटन मीटर में मिल जाएगी यूनिट। ये देखो ये एमएम में है, दिस इज एन एमएम, दिस इज एन एमएम न्यूटन, न्यूटन एमएम, तो 10^2 और -6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो किलो न्यूटन मीटर में मिल जाएगी ना मुझे, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका, हाँ 93.39 किलो न्यूटन मीटर मिल गया आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर और नॉट? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है टेंशन साइड से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहां से तो इजी है, टेंशन साइड से तो क्यों इजी है, क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से, टी ए इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। टी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में टी ए तो एक्चुअल स्ट्रेसेस तो सिग्मा एस टी के बराबर होते हैं, अरे टी ए वैल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं है ना, टी ए तो ये लिख लो या फिर सिग्मा एसटी लिख लो, यस और नो? यस सर, यस सर। अरे देखो ना, टेंशन साइड से जो टी ए अपॉन एम वाली वैल्यू है वो सिग्मा एसटी अपॉन एम की तो बराबर है, स्टील के स्ट्रेसेस तो बराबर होते हैं ना अंडर इन्फो सेक्शन में, एक्चुअल स्ट्रेसेस में कम होते हैं सिग्मा सीबीसी से, तो सी ए को हमने सिग्मा सीबीसी नहीं रखा, अगर ये ओवर इन्फो सेक्शन होता तो सी ए की वैल्यू हम सिग्मा सीबीसी रख सकते थे, बट उस केस में हमारे को एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील कम होते सिग्मा एसटी से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है, तो टीए की वैल्यू हमने क्या रखा, सिग्मा एसटी रखा, क्यों रखा, क्योंकि टेंशन साइड से आपकी जो स्टील है वो आपका क्या है बराबर है। अरे देख लो ना भाई, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है, सी ए कम होते हैं सिग्मा सी बी सी, तो सी ए आपने निकाला इसलिए वही वाली वैल्यू रखी सिग्मा सी ए की वैल्यू, बट यहाँ पर टेंशन साइड में देखो सिग्मा एस टी की वैल्यू टी ए की वैल्यू के बराबर है, ठीक है, तो सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी होती है 230 या आई एस कोड में दे रखी है एफ ई 415 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। एरिया ऑफ स्टील कितना है 4 × π/4 16 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी माइनस एक्स ए बाय थ्री, डी कितना है इफेक्टिव डेप्थ इज 550 माइनस एक्स ए इज 135.43/3। सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को फिर से 10^2/6 से डिवाइड कर देना या फिर मल्टीप्लाई कर देना, या तो पूरी इक्वेशन को 1/10^6 से डिवाइड कर देना तो यही आंसर आ जाएगा आपका 93.39 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अरे सही है, ये क्वेश्चन समझ में आया, पहला पार्ट क्लियर है? अच्छा बच्चों, यस सर, क्लियर है ये पार्ट? आकाश यादव सर, 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 ठीक है ना, ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करो। नेक्स्ट पार्ट मैं कहा था उसने, नेक्स्ट पार्ट में कहा है उसने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसके लिए, सिक्स नंबर ऑफ बार्स विद 25 mm डायर बार, सेम इसी तरह करना है प्रोसीजर, ठीक है, बट आप चेंज करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपका, देखो ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे होगा देखो, अब आप
एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा इसके लिए, वही 6 × π/4 25 का स्क्वायर। क्लियर, निकालो। चलो पी पार्ट हम देख रहे हैं, सेकंड पार्ट बिल्कुल कान खोल के सुनना। एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा हमारा, 6 × π/4 16 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो कितना आ गया, mm स्क्वायर में आ जाएगा आपका, 25 का स्क्वायर है सॉरी, 25 mm 12 है, कितना आ गया 2943.75 mm स्क्वायर। कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए भाई आरसीसी के अंदर, डॉक्स के अंदर, ठीक है। नाउ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लो, ये कितनी आई थी आपकी, वही सेम है, तो अब निकाल चुके थे अपना एम सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू डी से, ये फिगर तो हमारा पूरा क्लियर है, वही है 158.96 आई थी पिछले केस में mm। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लो, एक्चुअल डेप्थ निकाल लो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यस और नो? अरे हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू चेंज है, एरिया ऑफ स्टील अलग है। कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, बी इनटू एक्स ए, दिस इज एरिया इनटू एक्स ए बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, एम ए एस टी इनटू व्हाट, बी माइनस एक्स ए, यही होता है। तो बी कितना है विड्थ, 400 इनटू एक्स ए निकालना है, एक्स ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम पता है, मॉड्यूलर रेशियो 11, एरिया ऑफ स्टील कितना है 2943.75 into d minus x a, d is 550, 600 minus 50 cover कर दिया था, minus x a, तो x a निकालना है, x a ही unknown है इस equation में, निकाल लो x a कितना आ गया 225.28 mm। Now third step क्या होता है, compare करोगे x a और x c को, कौन सा बड़ा है, एक्स ए और एक्स सी में कौन सा बड़ा है, एक्स ए, एक्स ए बड़ा है, मतलब एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, कौन सा सेक्शन हुआ, अरे एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, विच सेक्शन इज दिस, ओवर रिइंफोर्समेंट, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन, दिस इज अ ओवर रिइंफोर्स सेक्शन, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन है तो फटाक से स्ट्रेस डायग्राम बना लिया करो। ओवर रिइंफोर्स की प्रॉपर्टी बता दो, ओवर रिइंफोर्स में क्या होता है, एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी और टी ए अपॉन एम इज लेस देन सिग्मा एस टी अपॉन एम और टी ए इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी, तीनों यही होती है प्रॉपर्टी, यस और नो, यस। स्ट्रेस डायग्राम बना दो इसका, दिस वॉज योर बीम, ये आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल डेप्थ है एक्सी, एक्स ए ज्यादा आई है इस बार एक्सी से, मान लो यहां पे आई है एक्सी से, स्ट्रेस डायग्राम बना दो, यहां पे आपका 6 bars थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका है टेंशन वाला पार्ट, और यहाँ पे आपका ये आपका वाला पार्ट, यहाँ से आपका जो सी ए है वो तो सिग्मा सी बी सी के बराबर होंगे इस केस में, देख लो ओवर इन्फो सेक्शन में सी ए मतलब कंक्रीट के स्ट्रेसेस मैक्सिमम तक पहुंचे हैं, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस तक पहुंचे हैं, बट जो स्टील के स्ट्रेसेस है टी ए अपॉन एम एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील वो कम है परमिसिबल मैक्सिमम वाले तक, मैक्सिमम यहाँ तक होते हैं बट कहाँ पहुंचे होंगे, यहाँ पहुंचे होंगे बस अभी, इसका मतलब स्ट्रेस डायग्राम ये तो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, दिस इज व्हाट टी ए अपॉन एम, दिस इज व्हाट मैक्सिमम सिग्मा एस टी अपॉन एम, ये भी पता है हमारे को सिग्मा एस टी अपॉन एम ज्यादा होता है टी ए अपॉन एम से, मतलब एक्चुअल स्ट्रेसेस कम होते हैं स्टील में, ठीक है। और डायग्राम बनाना है तो ये इसको भी बना दो लो, ये एक्चुअल स्ट्रेसेस वाला था, ये यहाँ पे गया, हमारे को इस वाले से मतलब है अभी, इस वाले इस डायग्राम से है ना, ये वर्ड से जैसे कॉन्क्रीट आप इस वाले को दिखाते हो, ये आपका कॉन्क्रीट वाला है ये,
ठीक है, क्लियर और नॉट? यहाँ पे आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स आता है C1, ये आपका टेंसाइल फोर्स है यहाँ पे, दिस इज योर टेंसाइल फोर्स, ये आपका लिवर आर्म होता है यहाँ पे, लिवर आर्म। स्ट्रेस डायग्राम बना लोगे ना? यस। हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है कॉम्प्रेशन साइड से, कॉम्प्रेशन साइड से निकाल के देखो जरा क्या होता है। कॉम्प्रेशन साइड से निकालो क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये तो हो गया आपका फोर्स एरिया, सॉरी एरिया इंटू स्ट्रेस, सी ए इज द स्ट्रेस। ये समझ में आता नहीं आता, बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए बाई टू, ठीक है ना। ये बी, ये था आपका विड्थ, बी इंटू एक्स ए ये एरिया हो गया, इंटू एवरेज स्ट्रेस लेते हैं हम हमेशा, सी ए ये रहे स्ट्रेस, यहाँ पे जीरो पे ड्रॉप होता है तो सी ए प्लस 0/2, तो आपका ये हो गया स्ट्रेस इंटू व्हाट, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। नाउ सी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिग्मा सिग्मा सी बी सी। वेरी गुड, किसने बोला है, आशीष? हाँ, ये की जगह मैं सिग्मा सी बी सी लिख सकता हूँ, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू मुझे पता है M25 के लिए 8.5 है, तो सी ए की मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा क्योंकि इसके स्ट्रेसेस पहली बार पहले अपने वहां तक पहुंच चुके हैं मैक्सिमम तक। एक्स ए की जगह एक्स ए मैंने निकाल रखा है, तो बस मिल जाएगा आपको, है ना, 1/2 बी पता ही है आपको कितना है, वेट 500 सॉरी 400 इंटू एक्स ए कितना है, एक्चुअल एक्स से आया था 225.28, 225.28 इंटू सी ए मतलब सिग्मा सी बी सी मतलब 8.5 रख दो यहाँ पे, ठीक है, इंटू टी माइनस 550 माइनस एक्स ए बाय थ्री मतलब 225.28 बाय थ्री। पूरी इक्वेशन को 10^6 से डिवाइड कर देना, किलो न्यूटन मीटर में मिल जाएगा आपको आंसर, कितना आ जाएगा ये, 183.91 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह आपका ओवर रिइंफोर्स सेक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया, और एक्स ए कब निकालेंगे, एक्स सी कब निकालेंगे, टेंशन साइड से निकाल के बता दो। चलो टेंशन साइड से निकाल सकते हो, फ्रॉम टेंशन साइड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा सेम, क्या होता है, टेंसाइल फोर्स इनटू व्हाट, लिवर आर्म। टेंसाइल फोर्स क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब टी ए अपॉन एम इनटू एरिया MAST, यही होता है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, इनटू लिवर आर्म इज डी माइनस एक्स ए बाय थ्री, क्या बच गया, टी ए इंटू ए एस टी इंटू वॉट, डी माइनस एक्स ए बाय थ्री। क्लियर, टी ए क्या है, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील, टी ए क्या है आपके, एक्चुअल स्ट्रेसेस, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील। अब ये आपको कहां से निकालना पड़ेगा, सिमिलर ट्राइंगल से, क्योंकि टी ए की जगह आप सिग्मा एस टी नहीं रख सकते हो क्योंकि आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में आपको पता है टी ए की वैल्यू हमेशा कम होती है सिग्मा एस टी से, अभी हमने स्ट्रेस डायग्राम देखा था, तो आपको स्ट्रेस डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको फाइंड करने पड़ेंगे टी ए अपॉन एम की वैल्यू, ये है आपका व्हाट, एक्स ए ये कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स ए, ये है आपका सिग्मा एस टी सॉरी सिग्मा सी बी सी, ठीक है, और बस ये वाला ट्राइंगल ले लो दोनों आपस में, कैसे लोगे? अरे हो सकता है ना ये, सर बताओ कैसे निकालोगे, सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू
डी ए अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्स ए। यहां से क्या निकालना है हमारे को, टी ए की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील। सिग्मा सीबीसी पता ही है 8.5, एक्स ए पता ही है 225 आया था, टी ए निकालने हैं अपॉन एम मॉड्यूलर रेशियो 11, डी माइनस एक्स ए, डी कितना है 550 माइनस एक्चुअल डेप्थ आई थी 225, ये स्ट्रेसेस निकल जाएंगे स्टील में। टी ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 131.77, 131.77 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिमिलर ट्रायंगल का इस तरह यूज करना पड़ेगा एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील निकालने के लिए और एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट निकालने के लिए। बस अब आपको 131 पॉइंट रख दो, 131.77 इनटू एरिया ऑफ स्टील इज कितना आया था आपका 2943.75 इनटू डी माइनस एक्स ए बाय 3, डी कितना है 550 माइनस एक्स ए इज 225 समथिंग था अपॉन 3। पूरी इक्वेशन को 10^6 से डिवाइड कर दो, क्या आपका आंसर मिल जाएगा सेम जो कि आपका कंप्रेशन साइड से आया था 183.91 किलो न्यूटन मीटर। समझ आया? बेटा कुछ समझ आया? यस सर। यस सर। योगेश, हेमंत, विशाल दुबे, बच्चे और चले कहाँ गए बेटा? 22 बच्चे हैं, 21 बच्चे। अभी इसका बैलेंस सेक्शन बच रहा है, उसको हम कल मॉर्निंग में फर्स्ट लेक्चर में देखते हैं।